केजरीवाल की गठबंधन का केजरीवाल के अभी झाड़ू बनते ये झाड़ू चलेगी और झाड़ू ऐसे जाले भी झाड़ेगी समझे पेट के जाले झाड़े घर के जाले झाड़ेगी ओ भिंडी चला झाड़ू चला। हाँ भाई क्या करा तिवारी ने तो तिवारी है गली में ये तो बताओ कहाँ दिया तिवारी क्या कर रहा है यहाँ कभी नहीं आया झाका ही नहीं तिवारी देखा ही नहीं शिकल देगी अच्छा भैया की शिकल देख रहे हैं आंटी राम राम वो तो बचपन से देख रहे हैं हम लोग तो हाँ बोल भाई क्या करना है तिवारी वाली मतलब नहीं हमें हमें है किससे केजरीवाल से हमें जैसे मतलब ना जैसे क्या कर रहा है नाली नहीं दिखा था कभी मुझे बोलो बोलो अजय राज है नाली भरी भरी है वो राठौर राठौर ने क्या कर दिया है क्या गली में साफ करी राठौर ने बता हमें सामने आना राठौर और क्या लेकर जान उल्टी का दावत है आए मैंने तुम्हारी समझे भैया ये भी जाओ ना मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस बार गठबंधन की सरकार है और हमें अरविंद केजरीवाल को जिताना है। हमारे यहाँ से कन्हैया जी खड़े हुए हैं हम भारी बहुमत से उन्हें ही जिताएंगे और उनके लिए रोड शो और सब कुछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद मनोज तिवारी की ये झाड़ू पड़ेगी कन्हैया कुमार जी। इस बार आपने क्या मन बनाया है इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी? जो जो मनोज तिवारी की बात करें तो 10 साल में अभी तक मनोज तिवारी हमारे पास आके डाटा भी नहीं है कि क्या काम हुआ है जहांगीरपुर में। जहांगीरपुर में क्या पड़े नॉर्थ अभी तक जितना भी है कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पर हमारे पास जैसे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। ये हमारे पीछे समुदाय भवन खुला हुआ है ये मनोरंजन केंद्र है ये अभी तक जब तक बना है 10 साल हो गए तो ये ऐसे ही बना हुआ है और बच्चे इसमें खेलते हैं बच्चे खेलते भी हैं इसमें तार भी खेलते हैं बड़े भी आके खेलते हैं। ये सारा बेकार है हमारे किसी काम का नहीं है ये मनोरंजन केंद्र बना हुआ है किसी काम का नहीं हमारा सोचिए हम कन्हैया कुमार को वोट देंगे यूथ है हमारी आज की सोच हमारी है वो पटेंडे है हमारा वो मनोज तिवारी कभी आए हैं आपसे यहाँ पे मिलने? नहीं कभी नहीं है 10 साल में भी आज तक काम भी जाके नहीं देखा मैंने कोई काम करवाया मनोज तिवारी कुछ भी काम नहीं हुआ कुछ भी काम नहीं हुआ है कुछ भी काम नहीं हुआ है तो आप न्यू वोटर हो? नहीं नहीं पहले भी मैं 3 बार वोट दे चुका हूँ ऑलरेडी पहले ये मेरा तीसरा वोट है। तीसरा वोट आप मनोज कन्हैया कुमार को देना चाहेंगे? तीसरा वोट कन्हैया कुमार को देना चाहूंगा। 25 तारीख को आप किसको वोट करोगे इंडिया गठबंधन कहीं कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार को क्योंकि कन्हैया कुमार हमारे इलाके से फर्स्ट टाइम खड़े हो रहे हैं जो कि हमें लगता है हर मौका हर किसी को मिलना चाहिए क्योंकि मनोज तिवारी सर को हमने कितना ही दे चुके हैं लेकिन कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना मतलब आज तक हमने उनकी शक्ल देखी नहीं है जहांगीरपुरी में। फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ उन्हें टीवी पे ही देख रखा है या बस जाना या नाच गाना कहीं ना कहीं शो में जाते हुए देखे हैं मैंने लेकिन आज तक तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम में भी कभी देखा नहीं है मनोज तिवारी सर को। और इतने सालों से सब देते ही आ रहे हैं उन्हें वोट कुछ करा तो है नहीं और यहाँ तक कि हमारी जो ये नई सरकार है क्या कन्हैया जी हमने सोचा इन्हें मौका देके देखते हैं क्योंकि हर इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए क्या पता वो हमारे फायदे के लिए कुछ अच्छा कर जाए। इतने सालों से उन्हें तो देते आ रहे कुछ करा तो है नहीं कम से कम इन्हें देके देखते हैं। अगर इन्होंने हमारे लिए अच्छा करा तो मैं और स्टूडेंट्स को कहूंगी कि अच्छा है इनको और वोट दीजिए क्योंकि पढ़ाई के लिए भी हमें सपोर्ट मिलेगी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सर हमें कितना सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए हर चीज के लिए आज तक हमें किसी ने सपोर्ट करा नहीं है। ये हमें शुरू से लेकर एंड तक गरीबों से लेकर अमीर तक सबको सपोर्ट करते हैं चाहे वो जेल चले गए हो फिर भी आके देखे उनकी कितनी सेवा हो रही है वो कितने रोड शो कर रहे हैं ताकि वोट मिल जाए उन्हें ये कितनी अच्छी सेवा चीज है तो हमें चाहिए कि हम केजरीवाल को ही करें और हमारी तरफ से ही कन्हैया जी खड़े हो रहे हैं पढ़े लिखे हैं तो हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा कम से कम कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या क्या कर सकते हैं किसको क्या देना चाहिए स्टूडेंट के लिए वगैरह। तो मेरी तरफ से तो कन्हैया जी को ही वोट जाएगा क्योंकि हमें नई उम्मीदवार को देखना चाहिए और इन्हें ही खड़ा करेंगे क्यों नहीं क्योंकि हमें कन्हैया ये मनोज तिवारी जी को नहीं करना इन्हें इतने दिनों से देते हुए आ रहे इतने सालों से देते हुए आ रहे मम्मी कुछ भी नहीं है इतना महंगाई कर रखी है इन्होंने आप मानोगे नहीं हमारी पढ़ाई भी इस चक्कर में कुछ छूट जाती है लड़कियों की क्योंकि फीस नहीं जा पाती है इतना ज्यादा कर देते हैं और किताबें बुक्स वगैरह हमें अच्छा नहीं लगता जो केजरीवाल सर हमारे लिए करते हैं 1000 रुपए डालते हैं कम से कम अकाउंट पे कुछ फायदा तो होता है हमारा गरीब इंसानों को किताबें तो मिलती है कम से कम तो लेडीजों के लिए बस फ्री कर देते हैं और इंसान अपना संडे के संडे घूमने जा सकता है अपना लेडीज हम घूमने जाते हैं हर संडे क्यों क्योंकि सर ने बसें फ्री कर रखी बिजली का बिल फ्री कर रखा है हमें इस बात की खुशी है 200 यूनिट तक तो हमें तो बस मजा ही आता है तो हम उन्हें ही देंगे।